हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो यूपी टेट परीक्षा को लेकर के एक अपडेट आई है, उस अपडेट पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि आपको कल सामान कौन कौन सा लेकर जाना है, जो पीएनपी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो क्या क्या चीजें हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी लोगों को सारी अपडेट बिल्कुल सही तरीके से मिल सके इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। सबसे पहली जो अपडेट आई है वो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो, प्रभात खबर, डिजिटल डेस्क लखनऊ और भी बहुत सारे जो है आज न्यूज़पेपर में निकल कर आया है कि यूपी टेट को लेकर बड़ी अपडेट है कि तैयार किए गए हैं 2 सेट प्रश्न पत्र, जाने कैसे होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने यूपी टीटी प्रश्न पत्रों के 2 सेट तैयार कराए हैं, जो कि अलग अलग कंपनियों ने तैयार किए हैं। यहां पर जो अपडेट है हम बता दें आपको, यूपी टेट परीक्षा एक बार फिर से 23 जनवरी को आयोजित होने जा रही है। पिछली परीक्षा पेपर लीक होने के कारण टल गई थी, ऐसे में अब प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इस बार कई अहम बदलाव किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने यूपी टेट प्रश्न पत्रों के 2 सेट तैयार कराए हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हो, जो कि अलग अलग कंपनियों ने तैयार किए हैं। ठीक है, ये एक अपडेट आई है। और हर सेंटर पर प्रश्न पत्र के दो दो सेंटर जो दो दो जो सेट हैं वो भेजे जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार यूपी टीटी एग्जाम के लिए हर सेंटर पर प्रश्न पत्र के दो दो सेट भेजे जाएंगे। अब कौन से एग्जाम सेंटर पर कौन सा प्रश्न पत्र भेजा जाएगा ये तो परीक्षा के दिन ही तय किया जाएगा। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध आदेश भी जारी कर दिए हैं। ऐसी जानकारी है कि प्रश्न पत्र खोलने से लेकर बांटने तक हर चीज वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी, इसके साथ ही सीसीटीवी रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग अलग से की जाएगी। फिर यहां पर बताया गया कि परीक्षा हाल में इन चीजों को न लेकर जाएं, कुछ चीजें यहां पर बताई गई हैं। दरअसल इस बार खुद सीएम योगी आदित्यनाथ परीक्षा पर नजर बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री ने परीक्षा को सख्ती से कराने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को बड़ी ही सावधानी के साथ परीक्षा हाल में प्रवेश करना होगा। एग्जाम सेंटर पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेंसिल बॉक्स, हेल्थ बैंड, ईयरफोन, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, पेजर, घड़ी, ये सब आपको ले जाने की अनुमति वहां पर नहीं दी गई है। अब हम बात करते हैं ये दो दो सेट वाला क्या मामला है। तो ये दो दो सेट मामला जो है ये अभी किसी को नहीं पता है कि किस सेंटर पर कौन सा पेपर होगा। हालांकि ये बताया गया है कि 2 सेट पेपर होंगे, अब ये देखना होगा कि कैसे क्या होता है, वो तो कल परीक्षा के दिन ही पता लगेगा क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए वहीं पर हम बात करते हैं कि आपको लेकर क्या जाना है, जो आप सभी लोग बहुत ज्यादा प्रश्न इस पर पूछ रहे हैं। तो आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड के नीचे ही लिखा गया है, आपको पूरी जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश है वो लिखे गए हैं। बट मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आप लोग देख लीजिए कि आपके पास वो चीजें हैं, अगर नहीं है तो तुरंत आप उन चीजों को इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो पेपर आपका है 10 से 12:30 बजे तक पेपर होगा। और यहां पर ये बता दिया गया कि 30 मिनट पहले जो है आपका जो कॉलेज जो सेंटर है उसको क्लोज कर दिया जाएगा, आपको जो है उसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग चाहे जितना आप कर लीजिए, 9 बजे तक आप लोग हर हालत में सेंटर पे पहुंच जाइएगा, ताकि टाइम से जाकर अपना गोला वगैरह भर लीजिएगा, ये काम वहां पर आपको कर लेना है। ठीक है, अगर 9:30 तक भी प्रवेश मिलेगा, बट मैं कहूंगा 9 तक सभी लोग हर हालत में पहुंच जाओ, ऐसा नहीं कि 9 बजे के बाद ही बंद हो जाएगा, 9:30 तक बंद होगा, लेकिन आपको टाइम से पहुंचना है। ठीक है, फिर यहां पर बताया गया कि आपको ले क्या जाना है। सबसे पहले इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग मिला लीजिए कि आपने अपने जो जो भी आपका पॉकेट है या जो भी बैग है, क्या आपने वो सारी चीजें रखी है कि नहीं रखी है। सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड तो कंपलसरी है, वो तो होना ही चाहिए। अगर आपको बस से जाना है तो 5-6 एडमिट कार्ड आप रख लीजिए। अगर आप फ्री बस का जो है फ्री बस से आप जाना चाहते हो, तो अगर आप फ्री बस से नहीं जाने चाहते हो तो 1-2 एडमिट कार्ड बहुत है। ठीक है, तो इसमें फोटो युक्त पहचान पत्र, आपके पास फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, जो भी है जो आपका आईडी कार्ड में आता है वो सभी चीजें रख लीजिए। आधार कार्ड तो बेसिकली सबके पास होगा, तो आधार कार्ड रख दीजिए, उसका मूल चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल चाहिए, अगर फोटो कॉपी है तो आप रख सकते हो, हालांकि यहां पर जो है मूल प्रति के साथ आपको बताया गया है। उसके बाद बताया प्रशिक्षण योग्यता, यानी कि अगर आपने बीएड बीटीसी किया है तो उसका आपके पास मूल प्रमाण पत्र हो, या किसी भी सेमेस्टर का कोई जो है निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति हो, ओरिजिनल कॉपी हो। और अगर इंटरनेट आपके पास है तो संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है और आपके पास कोई इंटरनेट कॉपी है किसी भी सेमेस्टर की, तो आपको जो वहां पर संबंधित प्रशिक्षण संस्था के जो प्राचार्य हैं या जो भी अधिकारी हैं उनसे आपको उसको अटेस्ट करवा लेना होगा। यहां पर यह चीज बताई गई है, जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। इसलिए आपके पास जो एक आईडी कार्ड, फोटो पहचान पत्र आपके पास, आपका जो है एडमिट कार्ड, साथ ही साथ आपका जो है जो आपने प्रशिक्षण लिया है बीएड बीटीसी, इनकी जो है आपके पास मूल प्रतियां होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चीजों को आप लोग देख लीजिए, एक बार आप लोग अपना एडमिट कार्ड फिर से रीड कर लीजिए, उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। साथ ही साथ यहां पर बस सेवा के बारे में बताया गया है, यहां पर कैसे कैसे आप पा सकते हो। तो बस सेवा के बारे में आपको बता दें, आप जब एक एडमिट कार्ड पर अपना हस्ताक्षर कर वहां पर कंडक्टर को दोगे तो आपको जो यहां पर किराया नहीं लगेगा, ऐसे ही जाते वक्त भी करना है और आते वक्त भी करना है आपको। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को हम बता दे रहे हैं।
और भी क्या चीजें हैं, यानी कि सैनिटाइजर वगैरह आपको तो ले ही जाना है, आप छोटी सी शीशी जो है रख लेना आप सैनिटाइजर की, और मास्क रख लेना आप एक अपने साथ, ठीक है। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि क्या हमें ये करना है नहीं करना है, ठीक है। आप कमेंट जरूर करिएगा। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जानी है, आपको जो है काला बाल पेन लेकर जाना है, ठीक है, जिससे आपको वहां पर OMR को गोला करना है। ये सारी चीजें यहां पर लिखकर दे दी गई हैं। तो इतनी सारी जो है अपडेट यहां पर अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने जो है ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक जो है इन्होंने एक लेटर जारी कर सभी लोगों को पहुंचाने तक की यहां पर किया गया है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, और अगर आपको कोई और डाउट हो तो मैं आपको पूछ सकते हो, आप लोग कमेंट करके मैं आप सभी लोगों को बता देंगे। तो इतनी सारी अपडेट थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।